वाक्य की क्रिया के विवरण का अनुवाद। किसी वाक्य की क्रिया के विवरण में दो चीजें होती हैं, विवरण वाला वस्तु या चीज और वाक्य की क्रिया के साथ वस्तु का संबंध। फॉर एग्जाम्पल, वह घर में खेलता है। घर में खेलता है का एक विवरण है। घर विवरण वाला वस्तु है और में खेलता है का घर के साथ संबंध बताता है। क्योंकि में शब्द से हमें पता चलता है कि खेलने का काम घर के रेफरेंस में कहाँ हो रहा है। एक्चुअली खेलने का काम घर की बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है। क्योंकि ऐसे संबंध बताने वाले शब्द हमें वाक्य की क्रिया और विवरण वाले वस्तु के बीच का संबंध बताते हैं, इसलिए अधिकांशतः हम ऐसे संबंध बताने वाले शब्दों को वाक्य की क्रिया और इसके विवरण वाले वस्तु के बीच में रखते हैं। संबंध बताने वाले शब्द दो चीज़ों को एक खास संबंध में जोड़ने का काम करते हैं, और ऐसा करने के लिए संबंध बताने वाले शब्दों इन दो चीज़ों के बीच में रहना पड़ता है। हिंदी में वाक्य की क्रिया को वाक्य के अंत में रखते हैं और उसके विवरणों को वाक्य की क्रिया के पहले रखते हैं। इसका मतलब विवरण वाले वस्तु को हिंदी में वाक्य की क्रिया के पहले रखते हैं। क्योंकि संबंध बताने वाले शब्द को इन दोनों के बीच में रखना चाहिए, इसीलिए संबंध बताने वाले शब्द विवरण वाले वस्तु के बाद में रखे जाते हैं। जैसे वह घर में खेल रहा था। खेल रहा था वाक्य की क्रिया है जो अंत में है। घर खेल रहा था का एक विवरण वाला वस्तु है जिसे खेल रहा था के पहले रखा जाता है। मैं खेल रहा था और घर के बीच संबंध बताता है, इसीलिए इसे इन दोनों के बीच में रखा जाता है। इसलिए मैं को घर के बाद में रखा जाएगा। इंग्लिश में वाक्य की क्रिया को सब्जेक्ट के जस्ट बाद रखा जाता है और उस वाक्य की क्रिया के विवरणों को उस वाक्य की क्रिया के बाद रखा जाता है। इसका मतलब इंग्लिश में विवरण वाले वस्तु को वाक्य की क्रिया के बाद रखा जाता है। क्योंकि संबंध बताने वाले शब्द को इन दोनों के बीच में रखना चाहिए, इसीलिए संबंध बताने वाले शब्द को विवरण वाले वस्तु के पहले रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग इन होम। वॉज प्लेइंग वाक्य की क्रिया है जो सब्जेक्ट ही के जस्ट बाद है। होम वॉज प्लेइंग का विवरण वाला वस्तु है जिसे वॉज प्लेइंग के बाद रखा जाता है। इन वॉज प्लेइंग और होम के बीच संबंध बताता है, इसलिए इसे इन दोनों के बीच में रखा जाता है। इसलिए इन को घर के पहले में रखा जाएगा। इसे कंक्लूड करके हम कह सकते हैं कि हिंदी में पहले विवरण वाले वस्तु को रखते हैं, उसके बाद संबंध बताने वाले शब्द को रखते हैं। जैसे घर में यह में को घर के बाद रखा गया है। इंग्लिश में पहले संबंध बताने वाले शब्द को रखते हैं, उसके बाद विवरण वाले वस्तु को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन होम, यहाँ इन को होम के पहले रखा गया है, यानी घर में का इंग्लिश होगा इन होम, ना कि होम इन। इसी तरीके से वाक्य की क्रिया के कुछ और विवरणों के अनुवाद कुछ इस प्रकार हैं। कब से, सिंस व्हेन, कितना देर से, फॉर हाउ लॉन्ग,